फ्रेंड्स, आई एम आसिफ, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी मैं जा रहा हूँ ब्लॉग शूट करने के लिए। ये तो मेरा पहला ब्लॉग है, मालूम नहीं कैसा होगा। सोच रहा हूँ कहाँ पे जाओ ब्लॉग शूट करने के लिए। कोरोना COVID-19 के लिए भी मास्क जरूरी है, इसलिए मास्क लगा लिया और धीरे धीरे जा रहा हूँ। आप लोग भी मेरा ब्लॉग में बने रहे, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। खजागोरा में फूल का नर्सरी है। गूगल मैप इधर ऐसे जगह में लेके चला गया, इधर रोड नहीं है, रोड बंद। अभी फिर घूम के जाना पड़ेगा इधर से। अभी होता है गूगल मैप। अभी आके पहुंच गया मज़ार का गेट, आप सबको दिखा रहा हूँ। ये देखो, यही है मज़ार का गेट। ये जो खाजागोरा में जो मज़ार है ना, ये पहाड़ का ऊपर में है। ऊपर से नीचे का नज़ारा दिखने में इतना अच्छा लगता है ना। मैं दोस्त का मोबाइल पे देखा था, लेकिन मैं सोच रहा था जब मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगा तभी मैं ये सब दिखाऊँगा, मैं देखने के लिए जाऊँगा। इसीलिए आज मेरा ये पहला ब्लॉग है। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगे। मैं भी जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आसिफुद्दीन अहमद। ये आज मेरा पहला ब्लॉग शूट होने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगे और मेरा वीडियो में बने रहे। ये जो पहाड़ का साइड है, ये जंगल एरिया का जैसा ही लगता है, लेकिन इधर में जो रूट है, पूरा रूट बना के रखा है अच्छा से। थोड़ा सांस लेने का दिक्कत हो रहा है, बहुत नीचे से ऊपर उठ के आ गया, इसलिए आप लोग भी वीडियो में बने रहे। शाम का 4 बजे आदमी लोग आते हैं घूमने के लिए। अभी दोपहर का टाइम, थोड़ा धूप भी ज़्यादा है, इसलिए आदमी लोग थोड़ा कम दिखाई देता इधर। और देखने के लिए नज़ारा बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे बोलना। ये मेरा आज पहला ब्लॉग है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज में हूँ, क्या बोलूँ आप लोगों को। इसे देखने के लिए कुछ ऐसा लगता है नज़ारा, अच्छा ही है। ये जो आगे जो दिखाई दे रहा है ना, वही है मज़ार। 2 मिनट के बाद मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। यही है खाजागोरा का मज़ार, जो हैदराबाद खाजागोरा पे है। मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, ये उसका साइन बोर्ड है, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं है। और मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे, कोई भी नहीं है शायद। कोई है मज़ार, देखो आज कोई नहीं है। अभी ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है नज़ारा, शायद आप सबको अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी पहली बार आया हूँ आप लोग का साथ। पीछे जो मज़ार है, इसको देखने के लिए आप सबको लेके भी आया हूँ। मैं भी देख लिया बहुत दिन का बाद। उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छा लगा। ये जो एरिया देख रहा है, ये गच्चीपोली हाईटेक सिटी का साइड में है। और ये खाजागोरा है पूरा। बाकी ये जो साइड है, ये मेरा रूम नानकमगुरा में है। अभी मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ, आप लोग भी मेरा वीडियो में बने रहें। अभी मैं एक दो कुछ करके आगे आगे का तरफ जा रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। ये जो है पहला स्टेप में पार किया, अभी दूसरा स्टेप पार करने के लिए जाना है। इधर पहुँच जाऊँगा दूसरा स्टेप पार करने के बाद। और मेरा चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल और बड़ा बड़ा पत्थर है। मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ, देखो इतना बड़ा बड़ा पत्थर खड़ा है। ये मैक्सिमम 100-200 साल का पहले का पत्थर है, उससे भी पहले का होगा, लेकिन मुझे इतना मालूम नहीं है। देखो मैं अभी ऊपर पहुँच गया, पर देखने के लिए कुछ ऐसा दिखाई देता है। बीच में पानी है, चारों तरफ बिल्डिंग है। आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बोलो। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा आप लोगों को। ऊपर से कुछ देखने का नज़ारा ऐसा है जो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ।
नंबर स्टेप पे हूँ। अभी 3 नंबर स्टेप जाने के लिए अभी मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ देखने के लिए। धूप भी बहुत ज़्यादा है, ठीक से आँख नहीं खोल रहा है। मैं जा रहा हूँ धीरे 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 करके भाग भाग के जा रहा हूँ धीरे धीरे ऊपर में। आप सबको भी दिखा रहा हूँ, मैं अभी 3 नंबर स्टेप कंप्लीट कर लिया। 3 नंबर स्टेप से नीचे का नज़ारा कैसा है आप सबको मैं दिखा रहा हूँ। ऊपर से कुछ देखने के लिए ऐसा लगता है। इधर मैं ऊपर आके देखा और एक मज़ार है। मैं सोच रहा था एक, अभी मुझे 2 मज़ार दिखाई दिया और एक कुछ मज़ार ऐसा दिखाई देता है। देखो यही है मज़ार, ये 2 नंबर मज़ार है। अभी मैं धीरे धीरे रूम जा रहा हूँ। बहुत धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत ऊपर आ गया ना पहाड़ का ऊपर में, गर्मी बहुत है। मैं अभी जा रहा हूँ रूम धीरे धीरे। अभी मैं कंफ्यूज हो गया किधर से आया किधर से जाऊँ, वही देख रहा हूँ कहाँ से आ रहा आया था भूल गया। हाँ मिल गया, इधर से आया था लेकिन दूसरा साइड से चला गया था जाने के लिए। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। अभी मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ, अच्छा लगा आके। अभी ऊपर से नीचे उतर के थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ, उसका बाद रूम जाना पड़ेगा, उसका बाद ड्यूटी भी है आज। बहुत प्यास लग रहा है, सोच रहा हूँ एक डाब पी लेता हूँ। पूछता हूँ भैया को कितना है। भैया डाब कितना है भैया, कितना है एक पीस? 50। ठीक है एक दे दो। पीने का? हाँ पीने का। प्यास लग रहा था, इधर ही डाब का दुकान है, एक डाब ले लिया, 50 रुपये लिया, ज़्यादा नहीं।
हेलो फ्रेंड्स, मैं रूम पहुंच गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना।